दोस्तों, एक तरफ तो चुनाव चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर मनोज तिवारी ट्रेंड कर रहे हैं। अब मनोज तिवारी ट्रेंड कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट तो होगा ही। आपको क्या कुछ खबर आ रही है सामने, क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। 3-4 खबरें हैं जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक नेता के ऊपर FIR हो गया, पैसे बांट रहे थे। वहीं कुछ ऐसे वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं जिसे देखकर लोग बता रहे हैं कि भरपूर एंटरटेनमेंट हो रहा है इस चुनाव में। वहीं देखने को ये मिल रहा है कि मनोज तिवारी रोड शो कर रहे हैं लेकिन उनका ड्राइवर उनको कहीं और लेकर चला जाता है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है, जिसको लेकर लोग जो है वो मजे ही मजे ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को लेकर लोग क्या लिख रहे हैं, इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि ये एक बीजेपी का गाड़ी है जिसके ऊपर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें भर भर के जा रहे, लेकिन एक महिला है जो गिर जाती है और उसके बाद वो गाड़ी रुकता नहीं है, वो गाड़ी चला जाता है। अब इसको लेकर इस वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी का एक वोट गिर गया। उसके बाद एक और यूजर है जो इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखती है, गाड़ी वालों को कोई रोको, बीजेपी वालों का एक वोट गिर गया है। अब इस तरीके से इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग जो है वो इस वीडियो को लेकर हंस रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक तरफ चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट हो रहा है। वहीं आपको बता दूं, एक खबर बिहार से सामने आई, इस वीडियो को जरा आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर। फर्स्ट बिहार झारखंड ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया। इस वीडियो में देखने को ये मिल रहा है कि बीजेपी के MLA है जिनका नाम है राजू सिंह। वीडियो को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा राजू सिंह अपने जेब से पैसे निकालकर लोगों को पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया। जिसके बाद RJD के कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला ने इसको लेकर डिमांड किया, इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन की, जिसके बाद साहेबगंज ब्लॉक में इनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया, जिसके बाद FIR हो गया राजू सिंह के ऊपर, जो कि बीजेपी के MLA है और वो पैसे बांटते हुए दिखाई दिए। जैसा कि आप जान रहे, कई जगह से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये एक खबर सामने आई जिसमें पैसे बांटते हुए राजू सिंह दिखाई दिए, जिसके बाद उनके ऊपर मामला दर्ज हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं एक वीडियो जो कि मनोज तिवारी का है। मनोज तिवारी रोड शो कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत चिंता में है वो। ऐसा लगता है कि कहीं उनको हार का डर तो नहीं सता रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में जो खबरें, जो वीडियो निकलकर सोशल मीडिया के ऊपर सामने आई, इससे साफ साफ पता चल रहा है लोग बीजेपी के रैली वाले लोग बता रहे हैं कि हम तो वोट कन्हैया कुमार को करने वाले हैं। लेकिन अब देखिए ये जो वीडियो सामने आया जिसमें रोड शो चल रहा है लेकिन अचानक ये गाड़ी जो है भटक जाता है, ड्राइवर भटक जाता है, जिसके बाद मनोज तिवारी को लगता है कि हम गलत जगह जा रहे हैं, जिसके बाद वो क्या करते हैं जरा इस वीडियो को देखिए। कुछ नहीं कहा, अरे ये कहाँ जा रहे हो, कौन ले जा रहा है, रुको 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 यार, रुको 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 रुको, कुछ अलग रूप ले लिया है भाई, गाड़ी मोड़ो गाड़ी मोड़ो। तो इस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, भाग मनोज भाग, ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर के ऊपर मनोज तिवारी ट्रेंड कर रहा है, मनोज तिवारी के गाने ट्रेंड कर रहे हैं, रिंक्या के पापा, और उसके बाद बहुत सारे जो उनके अश्लील गाने हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद एक यूजर है वो लिखते हैं, कंगना के बाद अगर किसी ने इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा हंसाया है तो वो है मनोज तिवारी। एक और यूजर है जो लिखते हैं कि मनोज तिवारी के ड्राइवर रास्ता नहीं भटकया, दरअसल वो कन्हैया कुमार से डिबेट करवाने के लिए ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ तो मनोज तिवारी की जो है वो हंसी मजाक जो है वो बनने लगी सोशल मीडिया के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोज तिवारी जब भी सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं तो उनको लेकर लोग सीरियस कम और कॉमेडी मूड में ज्यादा चले जाते हैं, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। मनोज तिवारी का इंटरव्यू भी हो रहा है, उसमें वो बहुत बुरी तरीके से फंस भी रहे हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर मनोज तिवारी ट्रेंड कर रहे हैं।